अगर आप स्टूडेंट हो और आपको चीजें याद नहीं रहती भाई, भूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज से आपको 60 टिप्स बताएंगे जो आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करेंगे, मेमोरी पावर को तेज करेंगे। तो तैयार हो जाओ और वीडियो को पूरा देख के जाना, नहीं तो मिस कर जाओगे। तो सबसे पहली चीज है प्रॉपर स्लीप और रेस्ट, जो आजकल के जो स्टूडेंट है, बालक है आजकल के, करते नहीं है। रात भर फोन चलाते रहते हैं, सोते 12 बजे 1 बजे, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, ढंग से रेस्ट नहीं लेते, उनकी बॉडी रेस्ट ढंग से नहीं ले पाती। लगभग आपको 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके दिमाग में प्रोसेस हो, ढंग से प्रोसेस हो, और आपकी मेमोरी तेज हो, आप चीजों को याद रख पाओ, मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आप ढंग से सोओगे नहीं और ढंग से प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, तो आपका दिमाग तो इधर उधर डिस्टर्ब रहेगा, आप चीजों को कैसे याद रख पाओगे, कैसे आपका दिमाग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएगा। तो प्रॉपर स्लीप लो, ढंग से रेस्ट करो। दूसरी चीज है हेल्दी डाइट लेना और हाइड्रेटेड रहना। आपको हेल्दी डाइट लेनी है, पौष्टिक खाना खाना है, जिसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो। क्योंकि आजकल के बालकों में दिक्कत है कि बाहर का खाना बहुत खाते हैं वो, घर का खाना बहुत कम खाते हैं, बाहर के खान पान उनका ज्यादा हो गया है। साथ साथ हेल्दी खाने के साथ साथ आपको हाइड्रेटेड भी रहना है, पानी पीते रहना है, फ्लूइड लेते रहना है, इससे आपके दिमाग की हेल्थ को भी बढ़िया रहे। तीसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज करना। आजकल के बालक सोते ही 1-2 बजे उठते ही नहीं है सुबह एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे ब्लड फ्लो रहता ही नहीं है और कॉग्निटिव फंक्शन और मेमोरी आपकी ऐसी वैसी हुई रहती है, जिससे आपकी चीजों को याद करने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करो और सुबह उठ के नहीं तो कभी ना कभी तो थोड़ा एक्सरसाइज करो, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहे, जिसे हम कहते हैं रक्त संचार बना रहे। तीसरी चीज है एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स अपनाओ यार, वो पुराने जमाने की चीजें मत अपनाओ, चीजों को समराइज करो। अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसे समराइज करो और अलग अलग लर्निंग मेथड अपनाओ। उसके लिए वीडियोस देखो उसके बारे में, उस चीज को अच्छे समझो और चीजों करो समराइज करके पढ़ो। ये नहीं कि किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, उससे आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो यूट्यूब पे कई सारी चीजें जो बढ़िया बढ़िया तरीके से लोग पढ़ाते हैं, अच्छे से समराइज करके पढ़ाते हैं, समराइज चीजों में याद रखो, आपकी मेमोरी को भी अच्छे से याद करने में आसानी रहेगी और आप चीजों को अच्छे से याद रख पाओगे। और पांचवी चीज है अपनी चीजों को जहां पढ़ते हो वहां हर चीज ऑर्गेनाइज करके रखो, एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट बनाओ। ये नहीं कि इधर उधर फेंका पड़ा हो, किताब उधर फेंकी पड़ी है, ये चीज उधर फेंका पड़ा है, दो कागज उधर फेंके पड़े हैं। अगर बिखरा हुआ पूरा माहौल होता है जहां आप पढ़ रहे होते हैं, वहां पे आपको कई सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, कभी इस पे ध्यान जाएगा, कभी उस पे जाएगा, आपको स्ट्रेस होने लगेगा देख के चीजों को। इसलिए कोशिश करो हर चीज ऑर्गेनाइज करके रखो, किताबें अपनी जगह रखे, नोटबुक अपनी जगह रखे, लैपटॉप अपनी जगह रखे, जिस पे भी पढ़ रहे हो अपनी जगह रखो, जिससे आप फोकस हो गए अपनी पढ़ाई पे और आपकी मेमोरी एनहांस होगी। छठी चीज है मेंटल एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन, यानी आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उसे माइंड मैप की तरह बनाओ या कुछ दिमाग में कुछ पिक्चर बनाओ उसके, जो भी पढ़ रहे हो। जैसे मान लो आपने पढ़ा कि राम घर जा रहा है, तो राम घर जा रहा है उसको दिमाग में पिक्चर बनाओ कि राम कैसे घर जा रहा है, इससे आपको चीजों को जल्दी याद कर पाओगे। विजुअलाइज करके पढ़ो चीजों को, चीजों को पढ़ने के बाद रिकॉल करने की कोशिश करो, कहानियां बना के, अलग अलग फॉर्म्स बना के आप, जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी अगर आप ऐसा करोगे, तो आपकी विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ेगी। सातवीं चीज है फ्रिक्वेंट रिविजन और प्रैक्टिस, आपको ये बहुत जरूरी है। आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसके अलग अलग टेस्ट देने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि आपने कितना आपका ब्रेन प्रोसेस कर पाया है, आपने कितना उस चीज को अच्छे समझ पाए हो, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लिया है। मान लो अगर आप सुबह पढ़ रहे हो तो शाम को कोशिश करो कि उस चीज को रिवाइज करो, 2 दिन बाद फिर रिवाइज करो, जिससे आपके माइंड में उस चीज वो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो ढंग से बैठ जाएगी। रिविजन करने का मतलब है, फ्रिक्वेंट रिविजन का मतलब क्या है, उसे रिपीट करते रहो, मतलब याद रहे आपको कि बार बार चीजें आप पढ़ोगे तो दिमाग में बैठती जाएंगी, जिससे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी एनहेंस होगी। ये कुछ टेक्निक्स है जिन्हें आप यूज करके अपने डेली रूटीन में अपने मेमोरी पावर को एनहेंस कर सकते हो, जिससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बढ़िया रहेगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में और आप एकेडमिकली भी स्ट्रांग होगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इसकी जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करो और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो।